नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे बहुत खतरनाक तूफान रेड अलर्ट जारी, भारी तबाही की चेतावनी, 14 मई को सावधान। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, शिक्षा और सामान्य जनजीवन की आप खबरें प्राप्त करना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जी हाँ दोस्तों, फन्नी नाम का तूफान है, इसने पूरे भारत में बहुत तबाही मचा रखी है। 14 मई को भारत सरकार और राज्य सरकार ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या है पूरी खबर। वीडियो देखने के बाद इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, करवट बदल सकता है मौसम, बारिश के साथ आंधी तूफान का पूर्व अनुमान जारी। दोस्तों ये आज ही की 13 मई 2019 की 8:35 की खबर है। मौसम विभाग ने नया पूर्वानुमान जारी करते हुए 13, 14 और 15 मई को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने तथा कुछ इलाकों में आंधी तूफान आने की आशंका जाहिर की है। समूचे उत्तर भारत में तेज गर्मी पड़ रही है, हालांकि कहीं कहीं आंधी तूफान के समाचार भी मिल रहे हैं। कल 12 दिसंबर को दोस्तों ये थोड़ी बहुत इसमें मिसप्रिंट हुई है, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ इलाकों में धूल भरी तेज हवाएं चल रही है। मौसम विभाग ने नया पूर्वानुमान जारी करते हुए 13 और 14 15 मई को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने तथा कुछ इलाकों में आंधी तूफान आने की आशंका जाहिर की है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में इन दिनों चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है, ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी जारी कर सकता है। तो दोस्तों ये तो थी तूफान को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियो और प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।